G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, जिसकी कृषि समूह से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में आयोजित की जा रही है। 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इंदौर में होने वाले इस सम्मेलन में 30 देशों और कृषि से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के 79 डेलीगेशन इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मंथन करेंगे। G20 की कृषि समूह की इस महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रैंड सेंटन होटल में किया है। इंदौर की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें वह अभिभूत हैं। साथ ही मेहमानों ने राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जो हेरिटेज वॉक किया है, उससे उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ बैठक ही होती है, लेकिन हमने जो स्वागत आत्मी के अभाव से किया है, अतिथि देवो भव की परंपरा से किया है, यह आमतौर पर नहीं होता है। ये डेलीगेशन कृषि विषयों पर दो मंथन करेंगे, लेकिन सभी भारत और भारत की परंपरा को जाने इसके लिए अवसर हमारे पास है। वहीं प्रेस वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 17.5 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश जैविक खेती कर रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जिसका हमें गर्व है। मित्रों, हमारे लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर इंदौर के लिए, कि G20 जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, उसके कृषि समूह की बहुत महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश में अपने इंदौर में रखी गई है। और इस बैठक में 30 देशों से 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे लगभग 89 डेलीगेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप बाहर से आए हुए डेलीगेट्स का, प्रतिनिधियों का यहाँ परंपरागत स्वागत किया गया, जिससे वो अभिभूत है। और विशेषकर जो हेरिटेज वॉक किया उन्होंने आज राजवाड़ा और आसपास, इससे उनकी खुशी का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बैठकें कई जगह होती हैं, दूसरे देश में बैठक होती है तो केवल बैठक होती है। ऐसा स्वागत जो हमने आत्मीयता के भाव से किया है, अतिथि देवो भवा की परंपरा से, यह आमतौर पर नहीं होता। इस आत्मीयता, स्नेह और प्रेम से हमारे मेहमान प्रतिनिधि प्रसन्न है, गदगद है। वो मांडवगढ़ भी जाएंगे और देखिए, हमें भी एक अवसर है। ये समूह कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो चिंताएं और समस्याएं दुनिया के सामने हैं, उन पर तो चर्चा करे गई, लेकिन वो भारत को जाने, भारत की संस्कृति को जाने, भारत के संस्कार जाने, ये अवसर है हमारे पास। और इसलिए मध्य प्रदेश में G20 की बैठक भोपाल में हुई तो हमने ऐसी परंपरागत उनका स्वागत किया। और ये बैठक जो कृषि समूह की इंदौर में हो रही है, अभी मौका है ये कि हम, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, क्योंकि ये 89 डेलीगेट्स 30 देश के जहां जाएं, भाई ये कहते हुए जाए करें इंदौर अद्भुत है।